तो आज की वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग। हमने अभी तक जो आपको तीन चार एग्जांपल बताया, कल भी मैंने आपको जो चेंज भी मैंने बताया था वो थी सीट की माइक्रो प्रोग्रामिंग। हमने बताया था किसी वर्कशीट में हम किस तरह से माइक्रो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अब फाइल की। जैसे कि आप अगर सीट पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जैसे आपने सीट सिलेक्ट किया वर्कशीट, यहाँ जो चीजें आती है वो चीजें आती है जो कि एक पर्टिकुलर शीट पे वर्क करती है, पर हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी फाइल पे एप्लीकेबल हो तो दिस वर्कबुक पे डबल क्लिक करेंगे। और जैसे दिस वर्कबुक आपने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे बहुत सारे इसके चीजें हैं जैसे एक्टिवेट करना, एड इंस्टॉल करना, बहुत सारी चीजें, बिफोर क्लोज, बिफोर प्रिंट, बिफोर सेव, डीएक्टिवेट, न्यू चार्ट, न्यू शीट। अब चाहते मैं चाहता हूँ जैसे मैं इस फाइल में नया शीट इंसर्ट करूं मुझसे नाम पूछे, तो मैं न्यू शीट पे गया और यहां पे कोड कर दिया यहां पे एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर। तो इससे क्या होगा कि जैसे मैं कोई सीट इंसर्ट करूंगा मुझसे नाम पूछेगा, मैंने नाम डाल दिया डेटा, अब उसी नाम का सीट यहां इंसर्ट करेगा। सीट पे होता है अब ये हर इस फाइल में हमेशा वर्क करेगा। तो हमने क्या किया, एक्टिव शीट का नेम चेंज किया इनपुट बॉक्स से नेम लेके। देखिए कोड कब रन हो रहा है, जब आप नई सीट इंसर्ट कर रहे हैं। तो कोड तो वही है जो आपने माइक्रो प्रोग्रामिंग में अभी तक सीखी, बस हमने इसका यूज किया है कि आखिर रन कब करेगा। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि किसी फाइल में एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट कैसे लगाएंगे। जैसे कि पर्टिकुलर डेज के बाद या टाइम के बाद मेरा फाइल ओपन ही ना हो, लॉक हो जाए, इस पर किसी भी तरह का पासवर्ड एप्लीकेबल ना हो, ये चीजें कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम ध्यान देंगे ओपन, जब भी फाइल ओपन होगा तो ये चेक करेगा कि इसका जो एक्सपायरी डेट है वो क्या है। तो इसके लिए मैं वेरिएबल लेता हूं कि dim एज ए डेट और फिर dim difference as a long, so sim हो गया dim का। अब यहां पे d equal to होगा today, पर today मतलब कि डेट की फॉर्मूला, डेट माइनस dt। अब dt क्या है, तो आपका फाइल का स्टार्टिंग डेट यहां फिक्स करना होगा कि भाई स्टार्टिंग डेट है हमारा मान लीजिए 1 जून 2020, और कितने दिन हुए हैं इसका डिफरेंस डी पे स्टोर हो गया। अब यहां पे मैं दूंगा कि इफ डी इज ग्रेटर देन 30 देन एक्टिव वर्क बुक डॉट पासवर्ड इक्वल टू लगा दिया हमने मैसेज देंगे यहां पे एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव और फिर यहां पे देंगे मैसेज बॉक्स MSG बॉक्स इस फाइल हैव एक्सपायर्ड प्लीज कॉन्टैक्ट मिस्टर सुजीत और भी कुछ देना चाहते हो दे दीजिए, मैंने अपना नाम डाल दिया। मैं बचपन सिखाया गया था कि अपने नाम के आगे मिस्टर मिसिज नहीं लगाना चाहिए, किसी और के नाम के लगना चाहिए, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, जो सूचक है इसका, यानी कि शिष्टाचार का सूचक होता है, हमारे सर ने पढ़ाया था जो टीचर थे। और फिर एक्टिव वर्क
book dot close. और फिर यहां पे एंड। अब कोड को समझिए, हमने क्या किया कि दो वेरिएबल लिया, एक डेट का एक लॉन्ग का। एक पे हमने अपनी स्टार्टिंग डेट डाल दी कि फाइल कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर हमने यहां पे डिफरेंस निकाला कि जो जिस दिन फाइल हमारी ओपन हो रही है, सिस्टम का जो डेट है वो डेट, और जब फाइल हमारा क्रिएट की गई थी तब का डेट में क्या डिफरेंस है। अगर डिफरेंस 30 से ज्यादा या फिर जितने दिन का आपने पीरियड दिया हुआ है उस पीरियड से ज्यादा है, तो सबसे पहले फाइल के अंदर पासवर्ड डाले, फाइल को सेव करें ताकि पासवर्ड सेव हो जाए, मैसेज पॉपअप करे और फाइल को क्लोज करें। जैसे ओके पे क्लिक करोगे फाइल क्लोज हो जाएगी, और सेकेंड टाइम जब ओपन करेगा तो उसको पासवर्ड मिलेगा। अगर मान लीजिए उसने पासवर्ड क्रैक भी कर दिया फिर ओपन करेगा तो फिर अगेन वो पासवर्ड लगा दे। आप चाहते कि नहीं पासवर्ड रैंडम कुछ भी होना चाहिए, पासवर्ड रैंडम कुछ भी होना चाहिए, तो यहां पर रैंडम लगा दीजिए। ये तब तो ये होगा कि वो पासवर्ड खोल ही नहीं पाएगा, फाइल को तोड़ी लॉक ही नहीं तोड़ पाएगा, ना आप तोड़ पाएंगे ना वो तोड़ पाएगा, क्योंकि रैंडम पासवर्ड तो ना आपको पता होगा ना उसको पता होगा, ठीक है। ये समझ में आया सर? अतीश जी आपको समझ में आया? यस सर। और आप एकता जी? यस सर। अभी मैंने आपको बोला था कि इसको ऑफिस में यूज ना करेंगे, इसका क्यों रीजन था? क्योंकि एक कंपनी से फोन आया था कि सर आपने एक हमारा एक वर्कर था उसको एक्सेस सिखाया। हाँ मैंने सिखाया। तो आपने पासवर्ड एक्सपायरी डेट लगाना सिखाया था? तो हाँ सिखाया है। तो बोला कि सर उसने क्या किया है कि अपने जितने भी फाइल्स थे सारे फाइल्स के अंदर 3 महीने का पीरियड लगा दिया है और चला गया, और सारे फाइल्स जब 3 महीने तक तो चला, जब तक उसका FNS नहीं हुआ था, फुल एंड फाइनल नहीं हुआ था, जब उसका सब कुछ साइन हो गया उसके बाद सडनली हमारा सारे के सारे फाइल वर्किंग करना बंद कर दिया। उस दिन फील हुआ कि इसने इसका मिसयूज किया। क्या लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल सर, मिसयूज किया उसने, पता नहीं कलर यूज किया ना सर। अब बोलेंगे सर आप हमें क्यों सिखा रहे हैं? इसका यूज मैं करता था, बेसिकली मैं अभी भी करता हूं। बेसिकली मैं बहुत सारे क्लाइंट का फाइल ऑटोमेट करता हूं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने काम समझाया कि सर सुजीत सर मुझे ये काम करना है करके दे दीजिए, जो ऑफिस की रिपोर्ट्स होती है बनाने की बात होती है, जो क्रिटिकल रिपोर्ट को ऑटोमेट करना होता है, हम उसको ऑटोमेट करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि वो पेमेंट काम होने के बाद ही देता है, कुछ पेमेंट पहले देता है कुछ काम होने के बाद देता है। अब मैंने उसको फाइल भेज दी और वो पेमेंट ना करे तो मैं क्या कर लूंगा? हमने कोई उसके साथ कोई एग्रीमेंट तो साइन नहीं किया ना, जो कोर्ट में घसीटूंगा उसको मैं, और साइन भी किया होता था कोर्ट में कौन जाता है? क्या थी जी? तो मैंने क्या किया, जब तक पेमेंट ना हो तब तक मैं फाइल के अंदर पासवर्ड डाल दिया। नेक्स्ट टाइम मुझे फोन करेगा, पेमेंट जब उसने कंप्लीट कर दिया तो नेक्स्ट टाइम मैं दूसरा फाइल भेज दूंगा जिसमें से चीजें रिमूव कर दिया। अब साथ में मैं ये भी दे देता हूं कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया है तो क्या करें। इसके 2-3 तरीके हैं इसको बाईपास करने का। पहला तरीका, आपको पता है कि इसका स्टार्टिंग डेट कब था तो आप अपने सिस्टम को डेट चेंज कर दीजिए। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर उसने पासवर्ड डालने की भी कोड डाल रखी होगी तो फिर पासवर्ड मांगेगा, तो इंटरनेट पे आपको पासवर्ड करेक्ट करने वाले बहुत सारे टूल्स एडिंस मिल जाएंगे जो कि फाइल को पासवर्ड ब्रेक कर देते हैं। तो पासवर्ड ब्रेक करवा लीजिए और आप टाइम चेंज कर दीजिए, उसके बाद इसको आप यूज कर सकते हैं, या फिर फाइल को सेव एज कर दीजिए XLXX में, सारे डीबी प्रोग्रामिंग उससे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नहीं आप चाहते कि अगर मान लीजिए कि उसने अगर इसके अंदर
VVM project properties में अगर उसमें अगर कोई ये नहीं लगाया हुआ है, कोड नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि VVM project का कोड मैंने इसका VVM कोड कोड का जो पासवर्ड है उसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर उसको जल्दी क्रैक नहीं कर पाता। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप उसको सेव एज कर दीजिए x/x में, ताकि आपके सारे फाइल वर्क को रिमूव हो जाए, डेट को चेंज करें। ठीक है, या फिर आपने माइक्रो सिक्योरिटी को डिसेबल कर दीजिए, एक कोड परफॉर्म ही नहीं करेगा। समझ गया मैं नवीन जी, सॉरी अतीश जी एंड एकता जी। तो इसी तरह के और इसमें और भी बहुत सारे आए हैं, जैसे कि सीट चेंज हो गया, सीट कैलकुलेट हो गया। तो सीट्स वाले जो है ना, वो जो आप इंडिविजुअल सीट पे करते हैं, तो ये हर सीट पे करता है। और इसमें आपका जैसे कि बिफोर सेव, आप बिफोर सेव करने से पहले कुछ करना चाहते हो, बिफोर प्रिंट होने से पहले आप कुछ और करना चाहते हो, बिफोर क्लोज होने से पहले फाइल को सेव करना चाहते हो, ये चीजें यहाँ पे दी गई। तो आप अपने हिसाब से इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है।